Good morning, students. Welcome back to my class. Today we are going to read the fourth chapter of Flamingo, the Red Trap, written by Selma Lagerlöf. स्वीडन में इसको लैगरलोफ बोलते हैं, बट हम इसको लैगरलोफ बोलेंगे ताकि हमें इसकी स्पेलिंग याद रहे और हम राइट करने में गलती ना करें. सलमा लैगरलोफ साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी. वाज ए स्वीडिश राइटर हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस. यह स्वीडन की एक लेखिका थी और जिसकी कहानियों का अनुवाद कई भाषाओं में किया गया था. A universal theme runs through all of them, a belief that essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. एक सांसारिक विषय वस्तु, एक विश्वास कि essential mean आवश्यक, जरूरी, goodness mean अच्छाई, मानव के अंदर जगाई जा सकती है. awakened का meaning कर सकते हो made mentally alive. थ्रू अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ से और प्यार से. यहाँ पे ये कहने की कोशिश की गई है कि अगर कोई व्यक्ति किसी गलत रास्ते पर चल पड़ता है या फिर कोई गलती कर देता तो हमें उसके ऊपर वो ठप्पा नहीं लगाना चाहिए. जैसे किसी ने चोरी कर ली और वो पकड़ा गया तो हमें उसके ऊपर चोर का ठप्पा नहीं लगा देना चाहिए. पहले हमें समझदारी से और प्यार से उसे ठीक करने की, उसकी उस बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए. अगर हम ऐसी कोशिश करेंगे तो वो सुधर सकता है. इस कहानी में यही बताया गया है. दिस स्टोरी इज सेट अमिडस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन रिच इन आयरन ओर विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री. यह कहानी स्वीडन की जो खांस वाला क्षेत्र है जहाँ पे कच्चा लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इतिहास में जिसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है और उस देश की जो पौराणिक कथाएं उनमें भी काफ़ी कुछ इसके बारे में बताया गया है, वहाँ पे ये कहानी सेट होती है. द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ ए फेयरी टेल. यह कहानी किसी तरह से बताई गई है परियों की कहानी की तरह है. नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. इन्फर मीन गिव. ये जो एक्सप्रेशन है इनको देखो और इनका मीनिंग दो, यानी कि एक्सप्रेशन लेसन के बीच में आने वाली हैं जहाँ हम इनको ध्यान से समझेंगे और याद करेंगे. इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए ऊपर दे दिया, इसलिए इनको सही ढंग से तैयार करना है. वंस अपॉन ए टाइम देर वॉज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर. एक बार की बात है, एक आदमी छोटी तुआर की बनी हुई चूहेदानियाँ बेचता हुआ घूमता रहता था. ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स फ्रॉम द मटेरियल ही गोट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स. वह उन्हें खुद बनाता था. ही मेड देम हिमसेल्फ, खुद बनाता था एट ओड्स. ओड यहाँ पे क्या है, विपरीत परिस्थितियों में, कठिनाई के समय में. ये किससे बनाता था, फ्रॉम द मटेरियल, उस सामग्री से वो ही गोट बाई बैगिंग इन द स्टोर्स, जो वह भीख मांगकर स्टोर से, बड़े बड़े भंडारों से और बड़े बड़े फार्म से प्राप्त करता था, उस सामग्री से वो अपनी विपरीत परिस्थितियों में बनाता था चूहेदानी. बट इवन सो का मीनिंग कर सकते हो डिस्पाइट ऑफ, इसके बावजूद भी द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. जो उसका धंधा था वो विशेष रूप से लाभदायक नहीं था. स्पेशली का मीनिंग पर्टिकुलरली भी कर सकते हो. So he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. इसलिए उसे रहना पड़ता था. Resort to का मीनिंग कर सकते हो forced to do, बाध्य होना पड़ता था दोनों काम करने के लिए, भीख मांगने के लिए और petty mean क्या होता है, small thievery होती है stealing, छोटी मोटी चोरी करने के लिए और भीख मांगने के लिए. टू कीप बॉडी एंड सोल टूगेदर यानी कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए, टू रिमेन अलाइव. टू कीप बॉडी एंड सोल टूगेदर का मीनिंग यहाँ पे क्या कर सकते हो, टू रिमेन अलाइव, जिंदा रहने के लिए उसे दोनों काम करने पड़ते थे. इवन सो, फिर से वही मीनिंग आ गया, डिस्पाइट ऑफ, हिज क्लोथ्स वर इन रग्स, हिज चीक्स वर संकन एंड हैंगर ग्लेम्ड इन हिज आइज. इसके बावजूद भी उसके कपड़े थे वो चिथड़े चिथड़े थे और उसकी गाल थी वो अंदर की तरफ धसी हुई थी और भूख उसकी आंखों में चमकती थी. यानी कि अगर कोई सी चीज़ की किसी के मन में लालसा रह जाती है तो वो उसकी आंखों में स्पष्ट दिखाई देती है.
No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कितना उदास और मोनोटोनस का मीनिंग कर सकते हो बोरिंग जॉयलेस, कितना उदास और दुखी यानी कि निराशा से भरा हुआ उसका जीवन था। ऐसे वैगाबोंड कौन होता है? वॉन्डर, जो आवारा घूमता रहता है। वॉन्डर कर सकते हो इसका, यूं ही घूमता रहता है। हु फ्लोट्स अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशंस। फ्लोट्स क्या होता है? टू मूव विद हैवी स्टेप्स या फिर टू वॉक विद हैवी स्टेप्स कर सकते हो, यानी कि भारी कदमों से चलना, यानी कि मन नहीं कर रहा फिर भी चला जा रहा है, थका मांदा चले जाना, ये भी बोल सकते हो। और मेडिटेशन क्या होती है? डीप थिंकिंग, अपने ही गहरे विचारों में खोया हुआ सड़क किनारे थका मांदा चलता रहता था। यहाँ पे हमें एक बात और भी बताने की कोशिश की गई है कि यानी कि हमारे हमसे कोई भीख मांगने आता है या फिर हमसे कोई कुछ मांगता है, ऐसे ही हम किसी को आवारा घूमता हुआ देखते हैं तो हम उसे है दृष्टि से देखते हैं, यानी कि हमें उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं सोचते कि भी उसका जीवन भी कितनी परेशानियों से भरा हुआ है, ऐसा हम कभी सोचते नहीं हैं। बट वन डे, किंतु एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट्स, इस आदमी के दिमाग में एक विचार आया, विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, जो वास्तव में उसे मजेदार लगा। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, वह स्वाभाविक रूप से अपनी चूहेदानियों के बारे में ही सोच रहा था। व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड, तब अचानक उसके मन में एक विचार आया। स्ट्रक यहाँ पे क्या है? कोंधा, एकदम से क्योर्ड, कोई चीज मन में एकदम से घटित हो जाना, दिमाग में कोई बात आना। सडनली केम टू माइंड, अचानक दिमाग में आना, ये भी कर सकते हो, कि पूरा संसार About him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. उसके मन में विचार क्या आया कि पूरा संसार, इसकी सारी धरती, सागर, शहर, गांव, सब एक बड़ी चूहेदानी के अलावा और कुछ नहीं है। It had never existed for any other purpose than to set beds for people. इसका और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है लोगों के लिए चारा सेट करने के अलावा। बेट्स का मीनिंग कर सकते हो फूड यूज टू ट्रैप फिश और एनिमल्स, फूड यूज टू ट्रैप फिश और एनिमल्स। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग, एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him and then everything came to an end. यह प्रस्तुत करता है पैसे, खुशियां, आश्रय, भोजन, गर्मी, कपड़े, ठीक उसी तरह से जैसे चूहेदानी प्रस्तुत करती है पनीर या फिर पोर्क होता है पिग मीट, या अपने यहाँ जैसे कि चूहे को पकड़ने के लिए चूहेदानी में रोटी लगाते हैं, उसी तरह से वहाँ पे सुअर का मांस या फिर पनीर लगाया जाता है। जिस तरह से चूहे को फंसाने के लिए पनीर लगाया जाता है चूहेदानी में, उसी तरह से संसार हमारे लिए ये सारी चीज़ें प्रस्तुत करता है। और जो ही कोई लालचवश इस चारे को छू देता है तो यह उसके ऊपर बंद हो जाती है और प्रत्येक चीज़ का अंत हो जाता है, यानी कि जैसे चूहा उस रोटी के टुकड़े को या पनीर को छूता है तो चूहेदानी उस पर बंद हो जाती है। इसी तरह से हम लालचवश, यानी कि यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि हमें कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो हमारे मन में लालच होता है कि भाई हम इतना कमा लेंगे, ये कर लेंगे, और कई बार उसमें घाटा लग जाता है तो फिर हम फंस जाते हैं, या फिर हम कहीं जा रहे हैं, लालच मन में आया, गए और किसी मुसीबत में फंस गए। इसी तरह से The world had of course never been very kind to him. संसार निसंदेह ही उसके लिए कभी भी ज़्यादा दयालु नहीं रहा, क्योंकि उसने अपने जीवन में परेशानी उठाई, चोरी भी करता था, भीख भी मांगता था और चूहेदानी भी बनाकर बेचता था, उसके बावजूद भी वो उसका जीवन अच्छा नहीं था, उसे सब कुछ नहीं मिल रहा था। So it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. इस तरीके से इट यहाँ पे किसके लिए? वर्ल्ड के लिए, संसार के बारे में बुरा सोचना। इल्मीन यहाँ पे क्या है? बुरा सोचना।
बुरा सोचने से उसे अनचाही खुशी मिल गई। अनवांटेड क्या होता है? अनचाही। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास्ट टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रियरी प्लोडिंग्स। ड्रियरी यहाँ पे क्या है? डल बोल सकते हो, थका देने वाली बोल सकते हो, और वही प्लोड से प्लोडिंग बन गया, थका देने वाली जो उसकी थकान से भरी हुई जो यात्राएं होती थी उनके दौरान, ड्यूरिंग में दौरान, यह उसका सबसे प्रिय। चेरिस्ड यहाँ पे क्या है? प्रिय। और पास्ट टाइम यहाँ पे क्या है? मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का साधन, सबसे प्रिय मनोरंजन का साधन बन गया संसार के बारे में बुरा सोचना। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट। उन लोगों के बारे में सोचना जिन्हें वो जानता था, जिन्होंने अपने आप को खतरनाक जालों में फंसा लिया था, और दूसरे जो अभी भी उस चारे के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रेजिंग अलोंग द रोड, ट्रेजिंग का मीनिंग कर सकते हो वॉन्डरिंग, एक अंधेरी रात को जब वह सड़क किनारे चला जा रहा था, ही कॉट साइट ऑफ ए लिटल ग्रे कॉटेज बाई द रोड साइड एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। उसकी नज़र पड़ी, कॉट साइट क्या होता है? नज़र पड़ी एक छोटे से ग्रे रंग के कुटेर के ऊपर जो सड़क के किनारे बना हुआ था, और उस दरवाजे पर उसने खटखटाहट की रात्रि का आश्रय पूछने के लिए। शेल्टर क्या होता है? आश्रय। नोर वाज ही रिफ्यूज्ड, उसे मना नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ सोर फेसेस, सोर फेसेस यहाँ पे क्या? अनप्लेजेंट, विच ऑर्डिनरली मेट हिम, जो सामान्य रूप से उसको मिला करते थे। द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। यानी कि जो घर का मालिक था, जो अब एक बूढ़ा आदमी हो गया था, बिना पत्नी और बच्चे के था, वो खुश हो गया किसी को पाकर अपने अकेलेपन में बात करने के लिए। यानी कि उसे पहले तो जैसे किसी के घर पे जाता था यूं ही दुखी कर देने वाले चेहरे, भाई किस कैसे आ गया, क्यों आ गया, चल यहाँ से, ऐसे बोलने वाले मिलते थे। वो इस तरह से उसने व्यवहार नहीं किया, बल्कि वो उसे देखकर खुश हो गया, भाई अकेलेपन में कोई बात करने वाला मिल गया उसको। इमीडिएटली ही पुट द पोरेज पोट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर, देन ही कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टबैको रोल दैट इट वॉज एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ऑन। उसने तुरंत, इमीडिएटली एट वंस, तुरंत उसने जो दलिए का जो बर्तन था वो आग के ऊपर रखा और उसे रात्रि का भोजन दिया, लास्ट फूड ऑफ द डे ये कह सकते हो, रात्रि का भोजन जो हल्का फुल्का जो भोजन होता उसको भी बोल सकते हो। और फिर उसने यहाँ पे ये क्या है, कारोट क्या होता है? काटा। उसने जो बड़ा सा एक टुकड़ा काटा अपना जो टबैको का जो रोल था ना उससे, और जो उसके पाइप के लिए और उस अजनबी के पाइप के लिए पर्याप्त था, यानी कि उसको धूम्रपान भी करवाया। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, आखिरकार वह एक ताश का एक पुराना पैक निकाल लाया एंड प्लेड मेजुलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड नाइट, और अपने मेहमान के साथ सोने के समय तक, ये खेल का नाम है, ताश का खेल है, ये खेल खेला। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसिस एज विद हिज पोरेज एंड टोबैको, बूढ़ा आदमी था वो अपने कॉन्फिडेंसिस, यहाँ पे क्या है, भेद बताना, अपने भेद खोलने में भी उतना ही उदार था जितना दलिया और तम्बाकू देने में था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट, मेहमान को तुरंत सूचित कर दिया गया, यानी कि यहाँ पे क्या है, मेहमान को तुरंत बता दिया गया that in his days of prosperity, prosperity क्या होता है, समृद्धि, affluence कर सकते हो, his host had been a crofter at Ramasjo Ironworks and had worked on the land, उसका जो crofter यहाँ पे क्या है, किसान बोल सकते हो, उसका जो host है, sorry, host कौन होता है, मेजबान, जो मेहमान की आव भगत करता है वो, यानी कि उसका घर का मालिक था, वो उसकी मेहमान नवाजी कर रहा था ना रेड ट्रप की, तो वो होस्ट हो गया। तो वो रेमसजो आयरन वर्क में एक कर्मचारी हुआ करता था और खेतों में भी काम करता था, उसने उसको बता दिया। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब वह दिन में मेहनत करने में समर्थ नहीं है। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, जो उसको सहारा देती है। यस दैट बोसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी,
वो सी यहाँ पे उसको क्यों बोला गया रोबिली, वो बहुत ही ज्यादा रोबिली थी, असाधारण थी। सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी। क्रीमरी यहाँ पे क्या है, ए स्मॉल डेयरी, एक छोटी डेयरी जिसमें दूध को क्रीम, दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट। पिछले महीने उसे भुगतान के रूप में 30 क्रोनर मिले थे। उसने कहा भाई मेरे गाय का दूध मैंने एक डेयरी में दिया और वहाँ से मुझे 30 करोड़ का भुगतान हुआ, वहाँ की अच्छी रकम थी। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। अजनबी था वो, अवश्य ही ऐसा लगा कि उसे विश्वास नहीं हुआ। इनक्रेडुलस का मीनिंग आप कर सकते हो अनबिलीवेबल, जिस पे विश्वास न किया जा सके। फॉर क्योंकि द ओल्ड मैन गोट अप एंड वेंट टू द विंडो, टुक डाउन ए लेदर पाउच विच हैंग ऑन ए नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम एंड पिक आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स। बूढ़ा आदमी उठा और खिड़की के पास गया और एक चमड़े की एक छोटी सी थैली थी उसको वहां से लिया जो टंगी हुई थी। खिड़की के फ्रेम के ठीक ऊपर एक नेल थी, एक खुट्टी बोल सकते हो, एक कील बोल सकते हो, हुक बोल सकते हो, उसके ऊपर जो टंगी हुई थी। एंड पिक आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स और उसमें से 3 10-10 क्रोनर के बिल निकाले। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, जो उसने अपने मेहमान की नजरों के सामने रख दिए। नोडिंग नोइंगली, नोडिंग का मीनिंग आप कर सकते हो मूविंग द हेड अप एंड डाउन, यानी कि यह जानते हुए सिर हिलाते हुए कि नोडिंग नोइंगली यानी कि सहमति में सिर हिलाते हुए। एंड देन स्टेप्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर उन्हें वापस पाउच में ठूस लिया। स्टफ्ड का मीनिंग कर सकते हो पैक्ड टाइटली। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन, अगले दिन दोनों आदमी अच्छे मिजाज में, गुड सीजन यहाँ पे क्या, अच्छे मिजाज में उठे। द क्रोप्टर वाज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड बिहाइंड द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप। क्रॉफ्टर था वो जल्दी में था अपनी गाय का दूध दुहने के लिए, टू मिल्क हिज काउ, अपनी गाय का दूध दुहने के लिए। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, दूसरे आदमी ने प्रोबेबली मीन संभवता सोचा, ही शुड नॉट स्टे इन बेड, उसे बिस्तर पर नहीं ठहरना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, जब घर का मालिक उठ गया हो। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उन्होंने कुटीर को एक ही समय में छोड़ दिया, एक साथ छोड़ दिया, सेम टाइम यहाँ भी एक ही समय में यानी कि एक साथ छोड़ दिया। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। क्रॉफ्टर ने, किसान ने दरवाजे को ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में डाली। द मैन विद द रेड ट्रक सेड गुड बाय एंड थैंक यू, सुहेदानी वाले जो व्यक्ति था उसने उसको अलविदा कहा और धन्यवाद किया। एंड दे आर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे, इसके बाद दे आर अपॉन का मीनिंग कर सकते हो इमीडिएटली आफ्टर, इसके तुरंत बाद दोनों अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रक पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। पेडलर का मीनिंग यहाँ भी कर सकते हो पर्सन सेलिंग थिंग्स बाय गोइंग प्लेस टू प्लेस, पर्सन सेलिंग थिंग्स बाय गोइंग प्लेस टू प्लेस, एक ऐसा व्यक्ति जो चीजें बेचता हुआ घूमता रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जो चूहेदानी बेचने वाला था वो 1 घंटे बाद स्टूड अगेन खड़ा हुआ था दरवाजे के सामने। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, किंतु उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की, दरवाजे के सामने खड़ा था लेकिन अंदर जाने की कोशिश नहीं की। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो स्मैश्ड ए पेन स्टक इन हिज हैंड एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर। एक क्रोनर स्वीडन की मुद्रा है। स्मैश्ड यहाँ पे कुचलना यानी कि यहाँ पे ब्रोक ज़्यादा सही रहेगा, तोड़ा। ये पेन क्या है, विंडो ग्लास यानी कि खिड़की का शीशा उसने तोड़ा और अपना हाथ अंदर डाला और जो पाउच था उसको लिया जिसमें 30 क्रोनर थे। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इन टू हिज ऑन पॉकेट, उसने धन को लिया और उसे अपनी खुद की जेब में ठूस लिया। थ्रस्ट यहाँ पे फिर से वही आ गया। देन ही हैंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, फिर वो जो चमड़े की थैली थी वो वापस लटका दी बड़े ध्यान से उसके स्थान पर और वहाँ से चला गया। ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस। स्मार्टनेस यहाँ पे क्या, चतुराई, क्लेवरनेस।
जैसे ही वो धन के साथ यानी कि अपनी जेब में धन लेकर चला तो उसे अपनी चतुराई पर बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हुई। क्वाइट प्लीज्ड, वो एकदम खुश था, उसे बड़ी खुशी महसूस हो रही थी। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, ऑफ कोर्स नहीं संदेह, दैट ही एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। फिर उसे एहसास हो गया कि उसे लगातार जो सार्वजनिक हाईवे है उस रास्ते पर चलने का साहस नहीं करना चाहिए शुरुआत में। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इन टू द वुड्स, किंतु उसे जंगल की तरफ अपना रास्ता मोड़ लेना चाहिए, और उसने मोड़ लिया। ड्यूरिंग द फास्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, शुरुआती जो समय था उसमें उसे किसी तरह की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। लेटर इन द डे, लेटर ये कौन सा है, एल यानी कि बाद में, तो लेटर एक LETR लेटर पत्र भी होता है। इट बिकेम वर्स, ये खराब होता चला गया, यानी कि शुरू में जब वो जंगल में घुसा तो कोई परेशानी नहीं आई, फिर बाद में खराब होता चला गया। क्यों होता चला गया? क्योंकि इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गोटन इन टू, क्योंकि यह जो जंगल था यह बहुत ही बड़ा और कन्फ्यूजिंग का मीनिंग आप पजलिंग कर सकते हो, परेशान कर देने वाला था जिस जंगल में ये घुसा था, हैड गोटन इन टू जिसमें घुसा था। He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. उसने कोशिश की, उसने विश्वस्त होने की कोशिश की, ट्राइड मीन कोशिश की, टू बी श्योर विश्वस्त होने की कोशिश की कि वह एक निश्चित दिशा में ही निश्चित दिशा में चल रहा है, किंतु रास्ते थे वो आगे पीछे बैक एंड फोर्थ इतने अजीब ढंग से मुड़े हुए थे। He walked and walked without coming to the end of the wood. वह चलता गया जंगल का अंत आए बिना। And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. उसे एहसास हो गया कि वह केवल जंगल के एक सेम उसी हिस्से में घूम रहा है। All at once he recalled his thoughts about the world and the red traps. तुरंत उसे अपने वो विचार याद आए जो चूहेदानी के बारे में थे और संसार के बारे में थे। उसके मन में विचार थे ना, भाई पूरा संसार एक चूहेदानी है। नाउ हिज ऑन ट्रन हैड कम, अब उसकी खुद की बारी आ गई थी, यानी कि अब उसे अपने विचार याद आए और उसके मन में आया कि अब मेरी खुद की बारी आ गई, क्योंकि वो उस जंगल में फंस चुका था। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय ए बेट, उसने एक चारे के द्वारा अपने आप को धोखे में डाल लिया था। बी फूल्ड यहाँ पे क्या है, धोखे में आ जाना, मूर्ख बन जाना, डिसीव्ड कर सकते हो यहाँ पे इसका मीनिंग, एंड हैड बीन कॉट और पकड़ा गया था। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लोब्स क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। पूरा जंगल, इसके तने, ट्रंक्स क्या होते हैं, पेड़ के तने, स्टेम, शाखाएं, इसका घनापन, थिकट क्या होता है, घनापन, यानी कि जो छोटी छोटी झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा घने जहाँ पेड़ होते हैं, और फालन लोग क्या होते हैं, जो टूटे हुए सूखने के बाद जो पेड़ गिर जाते हैं उनके जो लट्ठे बन जाते हैं, वो सब उसके ऊपर बंद हो गए थे एक ऐसी जेल की तरह जो जिसको जिसको बेधा नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल हो जिसमें से निकलना, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिसमें से वो बचकर निकल नहीं सकता था। इट वॉज लेट इन दिसंबर, ये दिसंबर में आखिर का समय था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अंधेरा था वो पहले से जंगल के ऊपर छा गया था। डिसेंडिंग में उतर आया था, नीचे की तरफ कोई चीज आ जाना, दिसंबर में धुंध ज़्यादा होती है तो अंधेरा होने से पहले ही अंधेरा सा लगने लग जाता है धुंध की वजह से। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, इसने खतरे को बढ़ा दिया, इंक्रीजमेंट बढ़ा देना, और इसकी उदासी को और निराशा को, डिस्पेयर डिसअपॉइंटमेंट कर सकते हो और गुलम उदासी होती है, सैडनेस कर सकते हैं गुलम का, उसकी उदासी को और उसकी निराशा को बढ़ा दिया। फाइनली ही सा नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, आखिरकार उसने देखा कि बचने का कोई रास्ता, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और वह
जमीन के अंदर धस गया। यहाँ पे धसना क्यों बोला गया है? क्योंकि वो पूरी तरह से थक चुका था, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, इसलिए वो जमीन के ऊपर बैठता है तो यानी कि उठा नहीं जाएगा, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, इसलिए यहाँ पे धसना बोला गया है। वो ट्रायल टू डेथ यानी कि मरने के लिए थका हुआ, ये सोचते हुए कि उसका आखिरी पल आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड ए साउंड, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग। किंतु जैसे ही उसने अपना सिर जमीन पर टिकाया, उसे एक आवाज़ सुनाई दी, एक कठोर रेगुलर ठक ठक की आवाज़। थम्पिंग क्या होता है? ठक ठक की आवाज़। देर वॉज नो डाउट एज इट वॉट दैट वॉज, इसमें कोई संदेह नहीं था कि आवाज़ किस चीज़ की थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को उठाया। यहाँ पे रेज्ड क्यों बोला, यानी कि उठा क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो थका हुआ था तो उठने का मन ही नहीं था उसका, इतना थक चुका था वो हार मान चुका था, इसलिए मुश्किल से उठा वो, तो इसलिए उठा बोला गया है। दोज आर द हमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ये हमर स्ट्रोक है, ये हमर है यहाँ पे और ये प्रहार कर रहा है। ये एक लोहे के कारखाने में हथौड़ों के प्रहार थे। स्ट्रोक क्या होता? प्रहार। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई। ही समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्ट्रगल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उसने अपनी सारी ताकत को बटोरा। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, नज़दीकी लोग होने चाहिए। तो यहाँ पे समन फिर से ये आ गया, यानी कि पूरी उसमें हिम्मत तो थी नहीं, थक चुका था वो, तो उसने अपनी सारी ताकत को बटोरा, यानी कि मतलब उसने हिम्मत की और उठा। और स्ट्रगल्ड यहाँ पे क्या है? संघर्ष करता हुआ चल पड़ा आवाज की दिशा में। स्टगर्ड वॉक्ड स्टीडिली, लड़खड़ाते हुए चलना बोल सकते हो। द रेमेस्टो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग एगो ए लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज। रेमेस्टो जो आयरन वर्क्स था, रेमेस्टो जो कारखाना था जो अब बंद हो गया है, ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, वह एक बहुत बड़ा कारखाना हुआ करता था जिसमें स्मेल्टर यानी कि पिघलाने वाली एक डिवाइस होती है, वो रोलिंग यानी कि लोहे को पिघलाने के बाद एक सीट के अंदर रोल करना, और भट्टी जिसमें थी। इन द समर टाइम्स यानी कि गर्मी के दिनों में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेज, बार्जेज होती हैं बोट्स, एंड स्कोज होती हैं फ्लैट बॉटम्स बोट्स, यानी कि समतल तले वाली छोटी नावें, यानी कि ये गर्मी के दिनों में एक बहुत लंबी लाइन हुआ करती थी लदी बड़ी बड़ी नावों की और एक समतल तले वाले नावों की। स्लिट डाउन द केनाल, जो नहर में खिसका दी जाती थी। विच लेड टू द लार्ज आइलैंड लेक, जो आगे एक बड़ी द्वीप वाली झील की तरफ तक जाते थे। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों में द रोड्स नियर द मील वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल कैरेट। शिफ्टेड यहाँ पे क्या? सीम, जो कोयले की जो धूल छन कर आती थी, बड़े बड़े जो कैरेट्स होते थे ना कोयले के, उनमें से यानी कि कोयला गाड़ी में से उतारते थे तो उनमें से जो कोयला की जो धूल होती थी वो छन छन कर आती थी, तो उससे वो सड़क थी वो काली हो जाती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। लंबी अंधेरी इन्हीं श्यामों में से एक के दौरान, ठीक क्रिसमस से पहले, जो मालिक लोहार था वो और उसका जो सहायक था, दोनों उस कारखाने में भट्टी के पास बैठे हुए थे और जो कच्चा लोहा उसमें लगाया गया था पिघलाने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो आग के ऊपर डाला गया था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, निहाई पर डालने के लिए, तैयार होने के लिए। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टीर द ग्लोइंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स। की एनविल है इसके ऊपर, ये हमर है, थोड़े से इस तरह से इसके ऊपर चोट की जाती है लोहा रखकर, और ये फर्नेस है जहाँ पे कच्चा लोहा पिघलाया जाता है, और ये कैनाल के अंदर, ये कैनाल है दोनों तरफ, हमें पता ही नहर कैसी होती है, उसके अंदर ये नावें छोड़ी गई हैं, इनमें कोयला भर भर कर और ये बड़ी नाव में चली गई इस तरह से। ड्रिपिंग विद प्रिस्पिरेशंस, ये पे कह रहा है
यानी कि बीच बीच में, एवरी नाउ एंड देन यानी कि बीच बीच में, वन ऑफ देम गोट अप, उनमें से एक उठता टू स्टिर, हिलाने के लिए था ग्लोइंग मास, यानी कि जो वो चमकता हुआ ढेर था, यानी कि जो कोयले जल रहे होते थे ना उस भट्टी में, उनको हिलाने के लिए, विद ए लॉन्ग आयरन वायर, एक लंबी लोहे की छड़ से, रिटर्निंग वापिस आता इन ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही पलों में, ड्रिपिंग टपकता हुआ विद प्रिस्परेशन, पसीने से, यानी कि उसके आग के पास जाएगा तो पसीना तो आएगा। दो यद भी एज वाज द कस्टम, जैसे कि परंपरा थी, ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, उसने पहन रखा था एक लंबी कमीज और एक जोड़ी लकड़ी के जूतों के अलावा उसने और कुछ नहीं पहन रखा था। ऑल द टाइम देर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, उस भट्टी में, उस कारखाने में पूरे समय बहुत सारी आवाजें सुनी जा सकती थी, द बिग ब्लोज ग्रून एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, ब्लोज यहाँ पे क्या है, धोकनिया, ब्लोज का मीनिंग करो डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग ए स्ट्रोंग ब्लास्ट ऑफ एयर, यानी कि हवा का एक ब्लास्ट पैदा करने के लिए जो यंत्र होता है वो, जैसे कि हम कई बार सड़क किनारे लोहार काम कर रहा होता है और लोहारिन होती है वो हवा दे रही होती उस आग में, वो धोकनियाँ होती हैं जिससे वो जिससे आग तेज हो जाती है, खूब तेज जलती है, तो बड़ी बड़ी धोकनियों की आवाज़ यहाँ पे ग्रोन कराना नहीं होगा, उनकी आवाज़ आती थी। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जलते हुए कोयले जब उनमें टूटने की आवाज़ होती है तो वो, द फायर बॉय शोवल्ड चारकोल इनटू द मा ऑफ द फर्नेस विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, क्लैटर क्या होता है, खड़खड़ की आवाज़, माँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चूल्हे का मुँह है, भट्टी का मुँह, तो वो जो लड़का होता था वो एक बेलचे में कोयले भरता और भट्टी के मुंह में डाल देता, माँ यहाँ पे क्या है, भट्टी का मुंह, उसमें डाल देता और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खड़खड़ की आवाज़ आती है, यानी कि बेलचे में एकदम से कोयला भरेगा तब भी आवाज़ होगी, फिर वो एकदम से उसमें डालेगा तब भी आवाज़ होगी। आउटसाइड रोड, ये तो अंदर की आवाज़ थी, कहीं कोयला टूटने की आवाज़ आ रही है, कहीं धोकनियों की आवाज़ आ रही है, तो कहीं उसमें कोयला डाला जा रहा है, उसकी खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, और बाहर क्या था, रोड द वाटरफॉल, एक झरना, झरने का पानी आ रहा था, तो उसकी आवाज़ आ रही थी, झरने से जो पानी गिर रहा था। इन द साउथ नॉर्थ विंड हीप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रोड, थी उतनी हवा चल रही थी जिससे जो बरसात हो रही थी वो टाइलों वाली छत के ऊपर इस तरह से लग रही थी जैसे कि कोई चाबुक से मार रहा हो, उसकी भी आवाज़ थी, यानी कि बरसात की बूंदों के टकराने की भी आवाज़ थी, गिरने की भी आवाज़ थी, सॉरी। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. संभवतः इतने सारे शोर शराबे की वजह से, यानी कि इतना शोर होने की वजह से जो लोहार था उसने ध्यान ही नहीं दिया कि एक आदमी ने दरवाजा खोला और उस भट्टी में, उस कारखाने में प्रवेश कर गया। जब तक उसने ध्यान नहीं दिया, जब तक भी वो उसके भट्टी के चूल्हे के बिल्कुल नजदीक आकर नहीं खड़ा हो गया। श्योरली निश्चित रूप से इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगाबोंड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फॉर्ज बाय द फॉर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फर्नेस। निश्चित रूप से ही कुछ भी ऐसा मान्य नहीं था जो उस गरीब आवारा घूमने वाले को आकर्षित करता भी, उसे वो वहाँ पे क्या था, रात्रि के आश्रय के लिए अच्छा जगह को छोड़कर उसके लिए कुछ भी ऐसा मान्य नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे उसकी तरफ खींच ले, वह टू बी अट्रैक्टेड टू द फॉरेस्ट, जो उसे उस भट्टी की तरफ खींच कर लाया था। बाय द ग्लो ऑफ द लाइट, यानी कि रोशनी की वो चमक थी उसके द्वारा जो निकल कर जा रही थी थ्रू द सूटी पेन्स, यानी कि कालिक से लगे हुए जो शीशे थे ना उनमें से, कवर्ड विद सूट, यानी कि कालिक से उस भट्टी का जो धुआं निकलता था, उसकी जो खिड़कियां थी उनके शीशे बिल्कुल काले हो गए थे, तो उनमें से जो हल्का हल्का प्रकाश निकल कर बच कर जा रहा था वो उसे आकर्षित कर लाया, यहाँ पे कोई है और मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फर्नेस, और वह उस चूल्हे के नज़दीक अपने आप को गर्म करने के लिए आया था, सॉरी फायर था ये। द ब्लैकस्मिथ ग्लेंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंटरडर, ग्लेंस्ड मीन यहाँ पे क्या है, नज़र डालना, तो कैजुअली यहाँ पे क्या है, विदाउट केयरिंग, बिना परवाह किए। इनडिफरेंटली का मीनिंग भी आप यही कर सकते हो, बिना नोट टेकिंग एनी इंटरेस्ट
इन समथिंग, उदासीनता से भी बोल सकते हो, यहाँ पे केयरलेसली, और इसका मीनिंग कर सकते हो विदाउट केयर, बिना ध्यान दिए। इंटरडर कौन होता है? घुसपैठिया, वन हु इज नॉट इन्वाइटेड, जिसे आमंत्रित ना किया गया हो। तो उस घुसपैठिए की तरफ उसने उदासीनता से और लापरवाही से नजर डाली। ही लुक्ड द वे पीपल हिज टाइप यूजुअली डिड, उसने उसी तरीके से देखा जैसे उस तरह के लोग देखते हैं, विद ए लॉन्ग बियर्ड, लंबी दाढ़ी, यानी कि उसके वो ऐसा दिख रहा था, लंबी दाढ़ी थी, गंदे कपड़े थे, रैग्ड, चिथड़े चिथड़े थे, एंड विद ए बंच ऑफ रैट्रस डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और उसकी छाती के ऊपर चूहेदानियों का एक गुच्छा झूल रहा था। डैंगलिंग यहाँ पे क्या है? झूलना, लटकना। ऐसी व्यक्ति की तरफ लोग जैसे देखते हैं वैसे उसने देखा। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने ठहरने के लिए आज्ञा मांगी। द आयरन मास्टर, द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड ए हॉटी कंसेंट, लोहार ने एक घमंड भरी सहमति में गर्दन हिला दी। नोडेड मीन हाँ में सिर हिला देना, कंसेंट होती सहमति, हॉटी क्या है? घमंड से भरी, विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड, उसके सम्मान में एक भी शब्द बोले बिना, यानी कि बस यूं ही घमंड से गर्दन हिला दी। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, उस आवारा ने भी, उस घुमक्कड़ ने भी कुछ भी नहीं कहा। ही सैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वह वहाँ पे बात करने के लिए तो आया नहीं था, वह तो अपने आप को गर्म करने आया था और सोने के लिए आया था। इन दोज डेज द रेमेजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाई ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू सिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। उन दिनों में जो रेमेजो कारखाना था उसका मालिक एक बहुत ही प्रसिद्ध कारखानों के मालिक का था, हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, जिसका सबसे बड़ी आकांक्षा होती थी भी अच्छा लोहा बाजार में भेजना। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, वह दिन और रात निगरानी रखता था कि काम जितना संभव हो उसकी उतना अच्छे से हो रहा है नहीं। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इसी समय ही केम इन टू द फॉरेस्ट ऑन वन ऑफ हिज इंस्पेक्शन ट्रिप, और इसी समय वह कारखाने में आया था अपने निरीक्षण के ट्रिप के ऊपर। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रैगम्पिन हु हैड एज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट ट्रक्स। स्वाभाविक रूप से पहली चीज जो उसने देखी वो ये थी, जो लंबा सा रैगम्पिन यहाँ पे क्या है, वियरिंग ट्रक्स, फटी हाल जो व्यक्ति था उसने अपना रास्ता सहजता से भट्टी के इतने नज़दीक बना लिया था कि उसके चिथड़ों से, गीले चिथड़ों से भाप निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, मील के मालिक ने उस लोहार का उदाहरण पेश नहीं किया, उसका अनुसरण नहीं किया, यानी कि उसने देखा ही नहीं था इसी, जैसे उसने ये नहीं कि भी जैसे उस लोहार ने उसकी तरफ देखा ही नहीं था, वैसा उसने नहीं किया। हु हैड हार्डली डिजाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जो मुश्किल से उसने उस अजनबी को देखा था, लोहार ने तो मुश्किल से ही देखा, ध्यान ही नहीं दिया था उसकी तरफ। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, देन टॉर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, वह उसके नज़दीक चलकर गया, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसे बड़े ध्यान से देखा, और फिर उसका जो स्लाउच यहाँ पे क्या है, जो चिपका हुआ था, दुबका हुआ तो हम नहीं कहेंगे, जो चिपका हुआ था वो टोप था, वो उसका उसने फाड़ा क्यों बोला, क्योंकि वो चिपका हुआ था, गिला था, उसके मुंह के ऊपर चिपका हुआ था, उसको हटाया तो एकदम से उसको हटाएंगे तो फाड़ना ही होगा, उसे और अच्छे से देखने के लिए, उसके चेहरे को और अच्छे से देखने के लिए। बट ऑफकोर्स इट इज यू नेल्स ऑल, ही सैड, हाउ यू डू लुक, किंतु निसंदेह, अरे ये तुम हो नील्स ओलफ, उसने कहा, तुम कैसे दिखते हो, यानी कि वो उसे देखते एकदम से चौकन्ना हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कोई उसका पुराना जान पहचान का साथी, ये उसके कोई साथी का नाम है, तो वो उसको देखकर एकदम उसको वो समझने लग जाता है, अपना साथी समझने लग जाता है, और फिर वो उसको इस तरह से संबोधित करता है कि भी तुम कैसे दिख रहे हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रेमेजो एंड डिड नॉट इवन नो वट हिज नेम वॉज, जो चूहेदानी वाला व्यक्ति था उसने मील के मालिक को पहले कभी नहीं देखा था और वह तो उसका नाम भी नहीं जानता था। बट इट अक्योर्ड टू हिम दैट, किंतु उसके मन में विचार आया,
इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्विंटेंस, ये जो बढ़िया भद्र पुरुष है यदि ये सोचता है कि मैं पुरानी जान पहचान का हूँ, एक्विंटेंस क्या होती है, फैमिलियर विद चिरपरिचित, ही माइट परहैप्स थ्रो ही में कपल ऑफ क्रोनर, शायद वो उसके लिए क्या दो क्रोनर दे दे, देयरफॉर उसकी तरफ फेंक दे, देयरफॉर इसलिए ही डिड नॉट वॉन्ट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसलिए वह तुरंत उसे उस धोखे से बाहर नहीं निकालना चाहता था। उसके मन में आया कि भी अगर अभी इसको बता दूंगा तो मुझे यहाँ से निकाल देगा और मैं कुछ नहीं बताऊंगा तो शायद एक दो क्रोनर दे देगा मुझे जान पहचान की वजह से, इसलिए वो उस धोखे से उसे बाहर नहीं निकालना चाहता था और कुछ नहीं बोला। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, हाँ भगवान जानता है चीज़ें मेरे साथ गलत होती चली गई, ही सेड, उसने कहा। ये बात कौन बोल रहा है, वो रेड ट्रप। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर, मिल के मालिक ने कहा तुम्हें रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, दैट वॉज द मिस्टेक, यही गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन, यदि मैं उस समय पर सर्विस में होता ना तो ऐसा कभी नहीं होता, यानी कह रहा कि मैं नहीं था वहाँ पे नहीं तो मैं तेरे को इस्तीफा नहीं देने देता। वेल अच्छा नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद हिम विद मी, अब निसंदेह तुम मेरे साथ घर आओगे। टू गो अलोंग अप टू द मैनोर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाई द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रम्प, ट्रम्प यहाँ पे क्या है, फिर से वही आवारा व्यक्ति, यानी कि टू गो अप यानी कि जमींदार के घर पर जाना और उससे पुराने अपने रेजिमेंटल साथी की तरह उससे व्यवहार पाना मालिक से, यानी कि ऐसा आव भगत पाना उस मालिक से, घर के मालिक से, जैसे कि वो कोई पुराना साथी हो। इन सब चीज़ों ने भी उस आवारा घूमने वाले को खुश नहीं, नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, ही सैड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, अलार्म्ड यहाँ पे क्या है, फ्राइटन्ड, एकदम डरा हुआ दिखते हुए उसने कहा, दिखते हुए यानी कि वो एकदम डरा हुआ दिखाई दिया और उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, उसने अपने 30 क्रोनर के बारे में सोचा। टू गो अप टू द मैनोर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटरीली इन टू द लॉयंस डेन, यानी कि जमींदार के घर पर जाना अपनी मर्जी से, वॉलेंटरीली क्या होता है, विलिंगली, अपनी मर्जी से खुद को शेर की मांद में फेंक देने जैसा होगा, यानी कि वो सोचता है बोल इसके घर जाऊंगा तो मेरे पास जो 30 क्रोनर है मैं पकड़ा जाऊंगा। ही ओनली वॉन्टेड ए चांस टू स्लीप हेयर इन टू द फॉरेस्ट, वह तो उस भट्टी में उस कारखाने में केवल सोने का एक मौका चाहता था, एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पियसली एज पॉसिबल, स्नीक अवे यहाँ पे क्या है, टू गो सीक्रेटली, चुपके से, चोरी छुपे निकल जाना, इनकॉन्स्पियसली क्या होगा, विदाउट बींग नोटिस्ड, बिना देखे, जितना संभव हो उसके बिना दिखे चुपके से वहाँ से वो निकल जाना चाहता था। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग्स, उसने अज्यूम्ड यहाँ पे क्या है, अंदाजा लगाना, विचार करना, सपोज्ड, मान लेना, मिल के मालिक ने मान लिया कि वह शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, एम्बेरेस्ड यहाँ पे क्या है, शर्मिंदगी, फीलिंग अनईजी यानी कि असहजता महसूस कर रहा है अपने खराब से कपड़ों की वजह से, मिजरेबल यहाँ पे क्या है, दुखी कर देने वाले। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो यूर सेल्फ देयर, कृपया ऐसा मत सोचो कि मेरा इतना बढ़िया घर है कि मैं तुम वहाँ पे अपने आप को दिखा नहीं सकते, यानी कि तुम्हारे फटे हाल कपड़े हैं, फटे हाल हो तुम, तो ऐसा मन में मत सोचो कि मैं वहाँ जाकर क्या दिखाऊंगा। ही सेड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज डन, एलिजाबेथ मर गई है, एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुमने पहले ही सुन लिया होगा, माई बॉयज आर अब्रोड, मेरे लड़के हैं वो विदेश गए हुए हैं, देर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और घर पर मेरे अलावा और मेरी सबसे बड़ी बेटे के अलावा और कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, हम तो बस ये कह ही रहे थे कि कितनी बुरी बात है कि क्रिसमस पर साथ देने के लिए कोई नहीं है। नाउ कम अलोंग विद मी, अब मेरे साथ आओ, एंड हेल्प अस
मेक द क्रिसमस फूड डिस्पेयर ए लिटल फास्टर, और जो क्रिसमस का भोजन है वो थोड़ा सा और जल्दी गायब करने में हमारी सहायता करो, यानी कि हम दो से तीन हो जाएंगे तो क्रिसमस पे जो पकवान बनेंगे वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो एंड अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन, किंतु अजनबी ने बार बार नहीं कहा नहीं कहा, और मील के मालिक ने देख लिया कि उसे हार मान लेनी चाहिए। इट लुक्स एज दो कैप्टन वोन्ट स्टे हेल्प प्रीफर टू स्टे विद यू टू नाइट सट जॉन स्टॉर्म्स, यानी कि ये उस लोहार को बोल रहा है, कारखाने का मालिक, बोले ऐसा लगता है भी तुम ये मानकर चलो कि कैप्टन वोन स्टेहल यहाँ आज रात तुम्हारे साथ ठहरना चाह रहा है। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, उसने जो मुख्य लोहार था उसको कहा, एंड टर्न्ड ऑन हिज हील, और अपनी एड़ियों पे घूम गया, यानी कि मतलब घर जाने के लिए तैयार हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक का लेसन आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की स्टोरी को पढ़ने के लिए।